बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड 3625 है, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके टोटल मार्क्स 10 है और इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है 23 जून 2022 है। तो टॉपिक हमारा क्या है, इसका क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड है। यानी क्रेडिट रेटिंग आप किस कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं, कि जब कोई पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई करता है, उसमें भी क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है, उसको कुछ क्रेडिट स्कोर साइन किए जाते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पे। इसी तरह जब कॉर्पोरेट सेक्टर वाले कोई बॉन्ड वगैरह या कोई डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं या लॉन्च करते हैं, तो उसकी भी एक क्रेडिट रेटिंग साइन की जाती है। जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो आपको उसकी वर्थीनेस या उससे रिलेटेड जो रिस्क होता है उसको एवेल्यूएट करने में मददगार होता है। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर्स होते हैं, रिस्क होते हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग को डिटरमिन करते वक्त। ये सारा खुलासा था जो हमने यहाँ पहला पैराग्राफ में दिया गया है, मफहूम दिया मैंने आपको। सो कीपिंग इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद लॉजिकल डिस्कशन। हमें तीन रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जो मैंने अभी आपको एक समरी सी मैंने आपको बताई है क्रेडिट रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी, उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक आइडियल किस्म का क्वेश्चन है, इसको 100% एक्यूरेट मत समझिएगा। और अगर किसी को किसी पॉइंट से कन्फ्लिक्ट हो या वो कोई डिफरेंट ओपिनियन रखता हो, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ उन सबसे कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी जो ओपिनियन है उसको ज़रूर शेयर करें, या कोई अपनी तरफ से एडिशन करना चाहें तो भी अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। तो क्योंकि डिस्कशन ही नॉलेज हासिल करने का ज़रिया बनती है। तो पहला क्या है, पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग्स विच आर बेस्ड ऑन द रिस्क बीइंग मेजर्ड। कहते हैं कि हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, किस बेस पे, जो मेजरमेंट के हवाले से उसको हम देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रेटिंग विच इज बेस्ड ऑन रिस्क बीइंग मेजर्ड। और जो हमने पहले रिक्वायरमेंट में जो रेटिंग के डिफरेंट टाइप्स आइडेंटिफाई किए हैं, हमने उन्हीं की जो आइडेंटिफाइड टाइप्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है बेस ऑन रिस्क बीइंग मेजर्ड। लास्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, आल्सो एक्सप्लेन हाउ द रिस्क रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट नंबर 1 आर मेजर्ड फॉर यूज इन द रेटिंग्स। कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने रिस्क की बेस पे जो रेटिंग आइडेंटिफाई किए थे, उस से रिलेटेड जो रिस्क है उसको मेजर करने के लिए हम क्या तरीका का इख्तियार करते हैं या उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक आइडिया है मेरी तरफ से, मेरी ओपिनियन है। अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें या इस पर कोई अपनी राय देना चाहें तो लाजमी दें और इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो एज़ पर योर बुक एंड अदर मटेरियल, जो मुझे मटेरियल अवेलेबल हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ। कह रहे हैं पार्ट 1 जो है हमारे पास आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से, कि पर्सनल क्रेडिट रेटिंग जो होती है, कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग जो होती है, सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जो होती है, शॉर्ट टर्म रेटिंग इसको आप इग्नोर कर दें। मेरे हिसाब से अगर आप इसको समझते हैं तो आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डिस्कस करके लिख सकते हैं। पार्ट 2 क्या था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उन तमाम जो हमने क्लासीफाई किए हैं कैटेगरीज पार्ट 1 में उसकी मेंशन करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एज क्लासीफाइड इन पार्ट 1, पहली क्या थी पर्सन, तो हम उसमें क्या देखते हैं, जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बॉरोअर जो है, इन कैपेसिटी ऑफ पर्सनल या इंडिविजुअल, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने पहले कोई लोन लिया है तो टाइम पर दिया है, दिया फर्स्ट टाइम दे रहा है किस तरह है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी अमाउंट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस मकसद के लिए है, तो टाइप उसकी टाइप क्या है, कंज्यूमर है या किसी कार के लिए है, हाउसिंग के लिए, किस कंटेक्स्ट में वो इसको अप्लाई करें, एक सिंगल प्रोप्राइटर भी हो सकता है
उसके भी हम देख सकते हैं। कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग में हम क्या देखते हैं कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी, कि वो जो बॉन्ड वगैरह या डिबेंचर वगैरह ज़्यादातर वो इशू करते हैं, उसी की बेस पे लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसकी जो क्रेडिट की या बॉरविंग की जो नीड है वो क्या है, उसकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, फिनेशियल उसकी हेल्थ कितनी है, टाइप ऑफ कोलेट्रल जो वो उस बॉन्ड के अंगेंस्ट रख रहा है वो क्या है। फिर सॉवरन आ जाता है, सॉवरन में हम उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एट द टाइम ऑफ मेजरिंग रिस्क, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस मुल्क की कितनी है और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबिलिटी कितनी है। थर्ड पार्ट है हम जो उसके साथ रिलेटेड रिस्क है हम उसको कैसे अप्लाई मैयर करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं एज वी हैव क्लासीफाइड इन पार्ट वन। पर्सनल है, वो कह रहे हैं बैंक्स मस्ट हैव इन प्लेस सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल कैडर्स इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग द एडवोकेसी ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व। तो आपने एक सिस्टम जो बैंक है उसको एक सिस्टम करना चाहिए जो इन सारी चीज़ों का मॉनिटर करे, उसकी हिस्ट्री को भी देखे और उसके डिफरेंट जो फैक्टर्स है उसको, उसकी कैपेसिटी, उसको कलेक्टर जो वो ऑफर कर रहे हैं गैस लोन्स के उसको भी देखे। फिर कॉरपोरेट सेक्टर में आ जाते हैं हम, फिर हम जो रिस्क है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के हवाले से देखते हैं, उसकी हम अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसकी सिवियरिटी देखते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो वो इजीली अपने जो शेयर होल्डर हैं जिनसे लोन लिया है उनको पे ऑफ कर सकता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या हैं उसके, उसके बिजनेस के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देख सकते हैं और उसके जो अगर प्रीवियसली उसने कोई लोन लिए हुए उसकी क्या हिस्ट्री है उसको भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या है मुल्क की वो भी हम फोरकास्ट करते हैं उसको लोन देते हुए, ये नहीं कि अभी वैसी बिजनेस में है जो वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो रहा हो तो हम उस पर को भी कवर रखते हैं, ये भी एक इकोनॉमिकल कंडीशन है। सॉवरन में हम क्या देखते हैं, डेट लेवल एज ए परसेंटेज ऑफ नेट रिसीट, ये जो है उसको हम क्या कह सकते हैं इसको मद्देनजर रखते हैं। लीगल सिस्टम एफिशिएंसी हम देखते हैं उसके देखने के लिए, जैसे हमारे मुल्क में आपको पता है हमारे लीगल सिस्टम क्या है तो वो उसका एक रिस्क है, अगर कोई खुदा न खासा कोई अगर केस फाइल होता है तो वो लटक जाता है उनको फैसले ही नहीं होते तो ये भी एक रिस्क में आता है तो वो उसको भी देखते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन क्या है और इन्फ्लेशन लेवल क्या है, सेंट्रल बैंक ऑटोनमी क्या है, इन सारों को वो देखते हैं और फिर उसको उसकी हिसाब से मेजर करते हैं जो रिस्क एसोसिएटेड है विद इसके साथ। तो मेरे हिसाब से इसका ये सोचना ख़त्म हो गया है और अगर कोई शख्स कहीं ऐड करना चाहे या कोई क्या कहते हैं डिलीट करना चाहे या कोई मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामुअलैकुम।